और इस ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें होती हुई देख रहे हैं फ्यूचर में, जिसके मुताबिक वहाँ पर इस कैंपस के बनने के साथ 35,000 स्टूडेंट्स की एकोमोडेशन और वहाँ पर जो लिविंग है फैकल्टी की, ऑब्वियसली उसके आने से कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जो पॉपुलेशन का रुझान है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा और वहाँ पर जितनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत जल्द स्टार्ट होंगी, वहाँ की प्रॉपर्टीज़ बहुत ऊपर जाएंगी, चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे वो आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है। इसके साथ अगर आप बात करें बेसिकली नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो है स्किल और टेक्निकल स्टडीज़ की यूनिवर्सिटी है और यहाँ से ये स्टूडेंट्स पढ़ के अगर ये फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाके सर्व करेंगे तो एक अच्छा रिटर्न जो है अपनी कंट्री को भेजेंगे ज़रिए मुबादला के सूरत में, और ये फॉरेन रेमिटेंस जो है ये आपकी मुल्क की इकॉनमी को डेफिनेटली बूस्ट करेगी। ये मेन कैंपस है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का, जिसके अंदर 35,000 स्टूडेंट्स जो है वो एट अ टाइम अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे और वहाँ पर अपनी रिसर्च बेस्ड वर्क जो भी है उसको कंप्लीट करेंगे। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर किसी किस्म की कोई बाइंग आप करना चाहते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे वो कमर्शियल है, आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट rbslan.com से विज़िट कर सकते हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो 24/7 आपकी असिस्टेंस के लिए अवेलेबल है। इसके साथ नेक्स्ट जो भी कैपिटल स्मार्ट सिटी की अपडेट्स हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप उन सब अपडेट्स से अपडेटेड रहें। थैंक यू वेरी मच।